मैं शरद भाई आपसे जरा समझ लूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा। एक तो जो बात अभिषेक जी ने कहा वो मैं बहुत से लोगों से इधर मिल रहा हूं पिछले 8-10 महीने से, मतलब अक्रॉस दी सेक्शन। और एक चीज नीतीश जी के जो विरोध में जाती है कि जो हार्डकोर एंटी बीजेपी वोट है वो नीतीश जी के बारे में हरदम कहता है कि नहीं नहीं ये व्यक्ति हरदम वहां खड़ा रहा था, इसको कैसे आप इसके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं। एक नॉर्मल वोटर पढ़ा लिखा उसको लगता है नहीं नहीं इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे से चलाए हैं। लेकिन मैं हार्डकोर एंटी बीजेपी वोट की बात कर रहा हूं। शरद भाई जो आपसे प्रश्न है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सबसे मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि हमारे यहाँ जो विपक्ष है और जितना मतलब एंटी इनकमेंसी है, बीजेपी का गुस्सा है, वो पिछले हमने विधानसभा चुनाव में भी एंटी इनकमेंसी थी, गुस्सा था, लेकिन उसको भुना नहीं पाए ठीक से अखिलेश यादव, वो फिर से लग रहा है। मैं एक संभावना से आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये संभावना बन सकती है कि कांग्रेस और बीएसपी साथ चली जाए? देखिए आनंद भाई, पहली चीज तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे कुछ ये कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, बार बार कनेक्ट होता था, अरे नहीं डिस्कनेक्ट नहीं होता था। अरे आप एनीवे अरे भाई ये एनीवे तो ये जो आपने सवाल उठाया ना, मेरा मानना है ये है कि हम अभी भी मायावती को एज अ एक्टिव ऑपोजिशन प्लेयर अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारी नादानी है। कोई मायावती का इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट हो सकता है कि वो कंप्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ बीजेपी है, वो कंप्लीटली मोदी और अमित शाह के क्लचेस में है, क्योंकि उनके ये सबको मालूम है, उनकी जिस किस्म की दौलत है और उनके जो इस तरह के केसेस हमेशा ओपन रखे जाते हैं, इसीलिए जिससे कि जब जरूरत पड़े तो काम आए, तो उनके केस में बड़ा बड़ा वेल नोन है ये। और इसके बाद भी अगर हम ये सोचें कि वो नहीं, वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगी, वो विपक्ष की भूमिका एक ही सूरत में निभा सकती है कि उनको लोग प्रधानमंत्री बना दें बिना मेंबर्स के, तो ऐसा तो होने जा नहीं रहा है। तो इसलिए मायावती को कंसिडर भी करना कि वो ऑपोजिशन की भूमिका निभाएंगी, ये बिल्कुल गले के नीचे नहीं उतरती है, क्योंकि वो अभी तक नहीं तो जितने भी एक्शन इन एक्शन उनका जो है वो दर्शाता है कि वो टोटली बीजेपी के कहने पे, आप देखेंगे उनके स्टेटमेंट्स तक कभी ये होते हैं जो अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा पहुंचाए। अब ये मजबूरी है उनकी, ईडी और सीबीआई से डर लगता है, जब जरूरत से ज्यादा दौलत हो जाए तो सीबीआई ईडी से डरना ही पड़ता है, और उसका भरपूर इस्तेमाल करती है बीजेपी, पहले भी होता था लेकिन इस तरीके से नहीं होता था जैसा आप बता रहे हैं, अब तो खुला खेल फरुखाबादी है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे जो प्रमुख भूमिका है वो अखिलेश को निभानी है। अखिलेश अभी तक खड़े नहीं उतर पाए हैं कि वो लड़ने के मूड में हैं, मतलब लड़ना इन द सेंस कि जमीनी लड़ाई करने की उनमें जो क्षमता दिखनी चाहिए वो दुर्भाग्यवश नहीं दिखती है, वो अपनी पिता की तरीके से जुझारूपन उनमें नहीं दिखता है। और हो सकता है, मतलब लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि उनको भी इसी तरीके से डराया जा रहा है जैसे मायावती और को डरा लिया जाता है और स्टेट्स में लोगों को डरा लिया जाता है। तो ऐसी सूरत में, और कांग्रेस का पुरसा हाल नहीं है, कांग्रेस ने अभी तक कोई एफर्ट, रत्ती भर एफर्ट नहीं दिखाया है कि लगे कि हाँ उनको अपने आप को वापस पटरी पैर पे खड़ा करना, पटरी तो दूर की बात है। तो ऐसे सूरत में बीजेपी की सिचुएशन अपने आप ही ऐसी बन जाती है, जब ऑपोजिशन बिखरा रहे, ऑपोजिशन वीक रहे, ऑपोजिशन डेड रहे, तो बीजेपी के लिए वैसे कोई यूपी में प्रॉब्लम ही नहीं है। जब और जो अगर बीजेपी की स्थिति बनी है वो सिर्फ इस वजह से बनी है कि ऑपोजिशन की तरफ से डिजायर्ड एफर्ट नहीं है खड़े होने के लिए। और दूसरा ये जो पर्सनल महत्वाकांक्षा है ना हर एक की, जो अभी अभिषेक ने बताई कि प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है कि हर एक को अपने हर एक को प्रधानमंत्री बनना है, तो ऑपोजिशन फिर आप नहीं लड़ सकते। ऐसी सूरत में अगेन मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार एक बेटर कैंडिडेट, चाहे नंबर्स की बात है लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो में नीतीश कुमार एक बेटर सिचुएशन दिखते हैं, बशर्ते लोग कि हमारी महत्वाकांक्षा आगे कि नहीं हमारे रहते वो कैसे बन जाएगा, तो कुछ नहीं हो सकता फिर। मतलब ये जो आज की जो हालात हैं उसमें ऐसा मैं कहूंगा कि बीजेपी ने इंश्योर कर लिया है, मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने इंश्योर कर लिया है कि विपक्ष डिवाइडेड ही रहे, जब जब कोई एफर्ट होता है बीजेपी पूरा इंश्योर, सरकार इंश्योर कर लेती है कि बीजेपी की एकता ना हो पाए। इसलिए बीजेपी वाले जो सपोर्टर्स हैं आप देखें हमेशा इस बात की बात करते हैं कि नहीं नेतृत्व कौन करेगा। अरे भाई नेतृत्व मैं इसमें मानता हूं कि अगर वाकई में लड़ाई करनी है तो पहले नेता डिसाइड करने की जरूरत नहीं है,
वो बीजेपी का स्टाइल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन लड़ाने की, और उनके पास एक आदमी है जिसके नाम पे वोट मिलता है, तो उसका उसका कोई पैरेलल नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे हम उसे पसंद करें चाहे ना करें। तो वो ऐसी सिचुएशन में आप एक तो होइए और रहने दीजिए, इसको बाद के लिए छोड़ दीजिए, और इसको भी देख के मत चलिए कितने दिन चलेगी। अगर आपका मिशन ये है कि लोकतंत्र को खतरा है और इस आदमी को बगैर हटाए नहीं हो सकता, जो कुछ बचा है लोकतंत्र का वो भी खत्म हो जाएगा 24 में, तो आपको उन लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, और सक्षम बनाने के लिए जरूरी है एकता, बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड एकता, सिर्फ इस बात पे कि हमें लड़ना है इलेक्शन एक साथ, ये सोचकर चलेंगे। और अगर ये खाली यही ढूंढते रहे कि नहीं साहब नेता कौन बनेगा, तो बीजेपी को बहुत सूट करता है, कोई नहीं बन पाएगा। शरद भाई एक एक चीज छोटी सी और पूछ लेनी थी, जैसे आपने कहा ना कि इसमें सबसे ज्यादा नीतीश जी दिखाई दे रहे हैं, सद्भावना यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव वही है। लेकिन मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, एज ए स्ट्रेटजी भी क्या विपक्ष को अभी अपना ये रणनीति और कौन कितनी सीट लड़ेगा ये सब तय कर लेना चाहिए? क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, जब जीते हुए एमएलए एमपी को ले जाके रिसोर्ट में बिठाना पड़ता है कि कहीं भाजपा वाले उसको उड़ा ना ले जाएं, कहीं तोड़ ना ले जाएं, तो आज तो बिना जीते जब इनका मतलब जीते हुए कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश में इधर जा रहा था कि कांग्रेस को उनको, तो अभी बिना जीते हुए तो मालूम नहीं भाजपा किसको तोड़ देगी। तो एज अ स्ट्रेटजी ऑल्सो क्या ये ठीक है कि इतनी जल्दी हो जाए? मतलब मैं एक बहुत प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं देखिए, नहीं ये बात सबसे जरूरी ये है कि एकता हो, उसमें ये फंसेगी बात सिर्फ इस बात पे कि नेता आज के लिए आप इलेक्शन लड़ने दीजिए, वो अगर ये मिल करके इतने नंबर्स ले आते हैं तो आप ये टेक इट फॉर ग्रांटेड कि बीजेपी के नंबर्स कम जहां हुए तो आवाजें जो डिसेंट की आवाजें हैं, जो विरोध की आवाजें हैं, वो अंदर से उभरने लगेंगी, जो कि अभी दबी हुई है, डरी हुई है। भाई खाली विपक्ष थोड़ी ना डरा हुआ, अभी बीजेपी के अंदर बहुत खौफ है, कोई किसी की मजाल नहीं है, कोई छू कर सकता है। हमें बताया जाता है कि सेंट्रल कैबिनेट मीटिंग होती है तो उसमें वही बोल सकता है जिनको कि इशारा किया जाता है, वरना कोई अलाउड नहीं है बोलने का, किसी का मुंह नहीं खुलता। वहां अगर नंबर्स कम हुए तो लोग इसके अंदर से वहां पे इसके खिलाफ भी देयर आर पीपल जो इसका विरोध करना चाहते हैं, उनको मौका चाहिए। तो ये मत सोच के चलिए कि ऐसी स्टेज में कि थोड़े बहुत नंबर होंगे तो इधर का उधर कर लेंगे, ये इधर नहीं होगा, क्योंकि एक हर एक आप देखिए इतिहास से बताता है, जब पानी सर के ऊपर हो जाता है तो सिचुएशन बदलती है। और मैं बड़ा आशावादी हूं और मुझे लगता है कि इस देश में अल्टीमेटली लोकतंत्र ही जीतेगा, तो इसलिए अगर रास्ता बन जाता है तो सिचुएशन आगे चल के क्या होगी वो बदलेगी। और मैं ये बात पे इस बात के जो कहा जाता है ना कि ना नीतीश जो उनके साथ रहे हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, तो उनको कैसे हम मान लें? तो भाई वो तो एक जमाने में मुलायम सिंह भी बीजेपी के साथ बैठे थे, तो इसका मतलब उनको मान लिया जाए कि वो बीजेपी माइंडेड हो गए, उनका तो ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। तो इस तरीके की चीज, मुलायम सिंह ने तो कल्याण सिंह से हाथ तक मिला लिया था। तो और दूसरा क्या है, इतिहास जरूरी नहीं है कि हर चीज इतिहास की गवर्न करें, फ्यूचर समय के साथ चीजें बदलती हैं। और मेरा मानना अभी भी यह है कि नीतीश कुमार ने जब लालू का साथ छोड़ करके और बीजेपी का दामन थाम लिया था, उसकी वजह नीतीश कुमार नहीं थे, उसकी वजह मेरे हिसाब से लालू प्रसाद यादव थे। उसको लोग का नजरिया देखने का गलत है। अगर वो पावर में नहीं आते कि इस तरीके के, मैं बात पूरी कर लूंगा आप बोलिएगा उसके बाद, तो उन्होंने जब लालू को चाहिए था उस टाइम की अपने महत्वाकांक्षी बेटे को बोलते कोई कोई बात नहीं, आइडिया है कि इनको नहीं आने देना, तो आप पहले जब तक पावर में नहीं आएंगे दिखाएंगे कैसे कि हम क्या कर सकते हैं। और नीतीश ने बिल्कुल दिखाया कि उस स्टेट में जहां पे कोई सोच नहीं सकता था कि विकास नाम की चीज हो सकती है, तो उस प्रदेश में किया। मेरी पैदाइश उसी स्टेट की है और अच्छा लगता है जब मेरा कोई लगाव नहीं है, ना नीतीश से लगाव है ना तेजस्वी से लगाव है, लेकिन तेजस्वी भी बहुत अच्छे नेता है और अपने आप को, काश हमारे अखिलेश में उसी तरीके का जज्बा होता तो यहाँ की भी उम्मीद हो सकती थी। लेकिन शुरू से ही हम ये लेके चलेंगे साहब, एक ये तो जो है नेता कौन बनेगा, तो ये तो बीजेपी के माइंडेड वाली बात है।